शेखर सुमन बने हलकट, शेखर ने उड़ाया अर्चना का मजाक। वर्ल्ड बिग बॉस के घर में हमने देखा कि शेखर सुमन पूरे टपोरी स्टाइल में सभी घर वालों से मिलते हुए नजर आए। वहीं शेखर अपने जुड़वा भाई रेजर सुमन बनकर घर में एंट्री लेते हैं। शेखर अर्चना को फ्रीज होने के बाद भी रोने के मजाक उड़ाते हुए नजर आए। वहीं अर्चना के रोने की शेखर एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। शेखर शालीन और टीना की बात भी करते हैं। वहीं निमृत को मंडली से निकालने की एडवाइस देते हुए नजर आए। शेखर अर्चना का भाई गुलशन का भी जिक्र करते हैं। वहीं शेखर गुलशन के डांस की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं अब शालीन के बिल्कुल भी दिखाई ना देने की बात कहते हैं। शेखर प्रियंका के भी भाई योगेश के सिर्फ घर में चुप रहने की बात कहते हैं और उनके घर में बिल्कुल भी दिखाई ना देने की बात कह देते हैं। वहीं शेखर शिव की आई की तारीफ करते हैं और अर्चना के बहू की तरह आई का ख्याल रखने की बात को भी पॉइंट आउट करते हैं। वहीं टीना शालीन पर कंफ्यूजन फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसके बाद शेखर टीना की मॉम का भी मजाक बनाते हुए नजर आए, क्योंकि टीना की मॉम अपनी बेटी को ही पहचान नहीं पाते हैं। शालीन के टीना की मॉम से डरने की बात भी कहते हैं। वहीं सभी घर वाले शालीन को अडॉप्टेड भी बताते हुए नजर आए। शेखर निमृत के पापा के घर में नहीं बल्कि पीटीएम में आने की बात कह रहे होते हैं। वहीं शेखर अपने गैंग में साजिद अर्चना शालीन को शामिल करने की बात कहते हैं। वहीं शालीन की एक्टिंग भी शेखर करते हुए नजर आए। शेखर स्टैन के बार बार घर छोड़कर जाने की बात को भी पॉइंट आउट करते हैं। वहीं शेखर सौंदर्य को सुंदर कहते हैं। वहीं सौंदर्य के डिम्पल की तारीफ करते हुए भी नजर आए। वहीं सभी घर वाले शेखर के इस अवतार को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वल आपका शेखर के इस टपोरी अवतार के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बिग बॉस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।